गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर चारुलता सांखला हूँ और आज आपको मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो दो लोग हैं उसमें राइट हैंड साइड में माइकल जे फॉक्स है, फेमस हॉलीवुड एक्टर, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे मोहम्मद अली है जो बहुत फेमस बॉक्सर है। इन्होंने पार्किंसंस डिसीज़ रिसर्च के लिए बहुत सारे फंड्स इकट्ठे किए। ये दोनों पार्किंसंस के डिसीज़ से पीड़ित थे। मोहम्मद अली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माइकल जे फॉक्स अभी भी एक्टिव है। पेशेंट्स जब मेरे क्लिनिक में आते हैं तो हमेशा पूछते कि मैं कब ट्रीटमेंट शुरू करूं, मेरा डायग्नोसिस सही है कि नहीं। हम लोग ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं जब पेशेंट्स की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट होती है। ट्रीटमेंट हम लोग एज ऑफ द पेशेंट के ऊपर भी डिसाइड करते, जैसे कि यंग पेशेंट्स के लिए हम लोग अलग ट्रीटमेंट रखते हैं और ओल्ड पेशेंट्स के लिए अलग रखते हैं। उनके नीड्स अलग होते हैं, यंग पेशेंट्स के नीड्स अलग होते हैं, और अल्टीमेटली पेशेंट के चॉइस के ऊपर भी हम लोग दवाइयाँ चूज़ करते हैं। तो बहुत सारे तरीके से हम दवाइयाँ देते हैं। एक तो मुंह से टैबलेट फॉर्म में देते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, आप जो खाना खाते हैं ये टैबलेट को कभी कभी कॉम्पीट करती है और एब्सॉर्ब होने में कम करती है, और इसीलिए टैबलेट फॉर्म के दवाई कभी कभी असर नहीं करती है। सबक्यूटेनियस यानी इंजेक्शन की तरह जैसे इंसुलिन देते हैं, वैसे हम लोग एपोमॉर्फिन देते हैं सबक्यूटेनियसली। स्किन पैच जो आप स्किन पे लगा सकते हैं और आपकी दवाइयाँ स्किन से अब्सॉर्ब होती है। एफरवेसेंट टैबलेट्स यानी अगर आपने ये टैबलेट मुँह में रखा तो ये घुल जाती है और तुरंत अब्सॉर्ब हो जाती है। पैक की वारा यानी यहाँ पेट में होल बना के हम लोग डिओडोपा जेल देते हैं, और ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी अगर कोई करना नहीं चाहता है तो ये अच्छा ऑप्शन है। और अभी नया इनहेल्ड फॉर्म ऑफ डोपामिन आया है जो स्प्रे मारा तो आपके पार्किंसंस के सिम्टम्स एक कुछ मिनटों के लिए कम हो सकते हैं। कौन से प्रकार के ड्रग्स हैं? एक तो डोपामिन है, लिवोडोपा प्रेपरेशन, डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट है, माओबी इनिबिटर और सीओएमटी इनिबिटर्स जो एंजाइम डोपामिन को मिटाता है ब्रेन में, ये एंजाइम इनिबिटर्स अगर आपने दिया पेशेंट को तो डोपामिन का एक्शन बढ़ जाता है। एंटीकोलिनर्जिक्स है और अमेल्टिडिन है। लिवोडोपा आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रग है। 1960 में ये हॉनिकेविज और कोट्सियाज ने फाइंड आउट किया था कि इसका पार्किंसंस के पेशेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी भी तब से गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये हमेशा डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर एंजाइम के साथ यूज़ किया जाता है। अगर ये सिर्फ लिवोडोपा आपने प्लेन लिया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कॉम्बिनेशन में डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है बेंसिडाज़ाइड, जिसको हम लोग मेडोपार कहते हैं, ये इंग्लैंड और इंडिया में अवेलेबल है। दूसरी दवाइयाँ हैं सिनेमेट, जिसमें काबिडोपा होता है, ये सिमिलर टू सिंडोपा और टाइडोमेट जो इंडिया में अवेलेबल है। तो इंडिया में सिंडोपा, टाइडोमेट एंड एलसीडी जो लिवोडोपा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं। सिंडोपा, टाइडोमेट एंड एलसीडी 100 और 10 यानी 110 के पैकेट में आता है, 100 और 125 के पैकेट में, 250 और 275। इसका मतलब 10 डोपा के डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, 25 डोपा काबिडोपा है, और ये 25 काबिडोपा है, 10 काबिडोपा है, और ये सारे पैकेट से ये आपको देखना है आपका पैकेट का कलर सही है कि नहीं। कभी कभी गलती से आप एक सिंडोपा प्लस की बजाय सिंडोपा 110 ला सकते हैं। और दूसरे लिवोडोपा प्रिपरेशन से डिस्पर्सिबल जो मेल्ट इन माउथ होता है, जैसे आपने मुँह में रखा तो वो घुल जाता है और उसकी एक्शन तुरंत पार्किंसंस के पेशेंट्स को समझ में आता है। ये यूजुअली हम लोग मॉर्निंग में यूज़ करते हैं ताकि इसका एक्शन क्विकली हो सकता है और पेशेंट जो एकदम स्टिफ है सुबह सुबह वो चलने लग सकता है, और रात में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो इन पेशेंट्स विद स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, यानी अगर पेशेंट को स्वॉलोइंग में दिक्कत हो तो ये मुँह में घुलने वाली टैबलेट दे सकते हैं। ये इंडिया में अवेलेबल था लेकिन अब नहीं है। इसके बदले में हम लोग ये टैबलेट पेशेंट को चू करके यानी चबा के खाने के लिए कहते हैं ताकि इसका एक्शन तुरंत आ जाए। ये सुबह सुबह आप कर सकते हैं लेकिन हमेशा मत करना। और कभी कभी हम लोग पेशेंट्स को टैबलेट नींबू के पानी में घुला के लेने के लिए कहते हैं ताकि उसका असर तुरंत हो जाएगा। दूसरा प्रिपरेशन है सीआर प्रिपरेशन। ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला प्रिपरेशन था,
इसका हम लोग दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका अब्सॉर्प्शन अनप्रडिक्टेबल है और खाने के साथ इसका अब्सॉर्प्शन और पुअर हो जाता है। तो 70% ही ये अब्सॉर्ब होता है, सिंडोपा प्लस 90% अब्सॉर्ब होती है। तो अब हम सीआर प्रिपरेशन सिर्फ रात के सिम्टम्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पेशेंट को करवट बदलने में तकलीफ हो या सुबह को एकदम बिल्कुल स्टिफ हो रहे हो तो। और ये 2 स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, 100 प्लस 25 दैट इज़ काबिडोपा, 200 डोपा एंड 50 काबिडोपा। एंड इसका अगेन कलर कोड अलग है बाकी के टैबलेट्स से। साइड इफ़ेक्ट क्या है लिवोडोपा के? कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ये यूजुअली शुरू शुरू में दिखाई पड़ता है, जैसे ही समय निकल जाता है तो ये साइड इफ़ेक्ट निकल जाता है। एक्सेसिव ड्राउजीनेस भी पेशेंट्स महसूस करते हैं, जैसे कि सिंडोपा का गोली लिया और उनको बहुत नींद आ जाती है। कभी कभी ये नींद को भी हटाता है, रात को सोने में तकलीफ़ हो जाती है पेशेंट्स को। जैसे जैसे पार्किंसंस बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा कि जो टैबलेट सिंडोपा प्लस की आपको 6 घंटे आराम करती थी वो आप 4 या 3 घंटे तक ही आराम देती है, और रात को ये बिल्कुल काम नहीं करती है। 3-4 घंटे में इसका असर निकल जाता है और आप एकदम अकड़ जाते हो। 5-6 साल के बाद में मोटर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाते हैं, इसका असर कम हो जाता है और अनवांटेड मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डिस्काइनेजियाज अगर आपने डोज बढ़ा दिया तो। तो इसीलिए डोपामिन एगोनिस्ट लॉन्च किए गए 1970 में। पूरे 7 डोपामिन एगोनिस्ट ओरल यूज़ के लिए हैं। एपोमॉर्फिन जो बहुत फेमस हो गया नानावटी के वीडियो की वजह से, वो इंजेक्टेबल है, वो सबक्यूटेनियस इंसुलिन की इंजेक्शन की तरह देते हैं, इसका असर सिर्फ 1 घंटे रहता है। रोटीगोटिन ये स्किन पैच है, ये आप स्किन को लगाएं और वो 24 आवर्स चलता है। डोपामिन एगोनिस्ट पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, इनका एक्शन थोड़ा प्रोलॉन्ग रहता है तो सिंडोपा इंड्यूस फ्लक्चुएशन ये मिटाने में मदद करता है। 2 टाइप के डोपामिन एगोनिस्ट हैं, अर्गट एंड नॉन अर्गट। अर्गट में ब्रोमोक्रिप्टिन पहले हम लोग यूज़ करते हैं, वो अभी हम लोग नहीं यूज़ करते क्योंकि इसके हार्ट पे असर होता है और लंग्स पे असर होता है। अभी हम नॉन अर्गट डोपामिन एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। रोपिनिरॉल दैट इज़ रोपार्क, प्रामिपेक्सॉल, प्रामिपेक्स एंड प्रामिरॉल, एपोमॉर्फिन इंजेक्शन भी अब इंडिया में अवेलेबल है, पिरिबिडिल एंड रोटिगोटिन पैच नहीं अवेलेबल है लेकिन आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हो। रोटिगोटिन स्किन पैच का एक एडवांटेज है कि वो अगर ओरल एब्सॉर्प्शन पेशेंट का कमज़ोर है, यानी कि आपने लिवोडोपा लिया या प्रामिपेक्सॉल लिया लेकिन वो अब्सॉर्ब ही नहीं हुआ आपके बॉडी में, तो इस वाले ऐसे पेशेंट्स में ये रोटिगोटिन स्किन पैच काफ़ी मदद करता है क्योंकि वो स्किन से अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी के डोपामिन एगोनिस्ट की तरह ही है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं, नौजिया, वॉमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन यानी चक्कर आना उठते ही, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कभी कभी भास होना और नींद आना, ये अपोमॉर्फिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सारे डोपामिन एगोनिस्ट के थोड़े से अजीब साइड इफ़ेक्ट्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, यानी आपके इम्पल्सिस पे आपकी जो चाहत है उसके ऊपर पेशेंट का कंट्रोल निकल जाता है तो वो गैम्बल करना शुरू जाते हैं, हाइपर सेक्शुअलिटी होती है, कंपल्सिव ईटिंग शुरू हो जाता है लेडीज़ में, कंपल्सिव शॉपिंग हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इनको क्रेडिट कार्ड मत देना, ये प्रामिपेक्सॉल या रोपिनिरॉल पे है। रिपीटेटिव पर्सीवेटिव बिहेवियर यानी बार बार वही एक्शन करना, एक्सेसिव हॉबीज़म, जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पसंद है तो भर पेट वो दुकान में जाके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद के लाता है जो एक्सपेंसिव है और जिसका घर में कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसे पेशेंट के आप स्पाउस को पूछ लेना ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं। अगर आपने नहीं पूछा तो ये साइड इफ़ेक्ट मिस हो सकते हैं और बहुत डेंजरस हो सकते हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डोपामिन डिसरेगुलेशन सिंड्रोम। इसमें पेशेंट डोपामिन एगोनिस्ट पे जो पेशेंट है उनको वारंवार इच्छा होती है कि आप सिंडोपा लो, और ये पेशेंट दिन में 20-40 सिंडोपा के टैबलेट्स हजम कर लेते हैं, और ये 14% पेशेंट्स में दिखाई देता है, और मोस्ट कॉमन ये डोपामिन एगोनिस्ट जो लेते हैं पेशेंट्स उनमें होता है और यंगर पेशेंट्स में। डोपामिन एगोनिस्ट के कारण सडन अर्ज टू स्लीप होती है, यानी उनका स्लीप पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स ड्राइविंग करते वक्त बहुत नींद आने के कारण बाजू में रुका के सो जाते हैं, तो ये आपको पार्किंसंस के पेशेंट्स को बताना चाहिए जो ड्राइव कर रहे हैं, ताकि ये साइड इफ़ेक्ट उनको महसूस हो और वो ड्राइव करना बंद कर दे। लास्ट को लिए अमेंटिडिन। एक्चुअली अमेंटिडिन एंटीवायरल है जो अभी कोविड-19 में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है।
जो पेशेंट्स को बहुत डिस्काइनीजियाज हो रहे हैं यानी बहुत हिलचल हो रही है, उनमें हम लोग एमेंटेडिन यूज़ करते हैं। ये ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट है। ये एक दवाई है जो डोपामिन रिसेप्टर्स पे नहीं काम करती है, अलग तरह तरीके से काम करती है। पहले ये येल्लो कैप्सूल में आता था, लेकिन वो निगलने में मुश्किल होती थी कोई कोई पेशेंट्स को एडवांस पार्किंसंस में, तो टैबलेट फॉर्मुलरी में अब आया है। ये अमेंट्रिल और पार्किडिडिन के नाम के से जाना जाता है। अभी मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया था, जो एंजाइम्स डोपामिन को नष्ट करते हैं उनको अगर इनहिबिट किया तो डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्रेन में। और ये COMT इनहिबिटर से दो हैं, एंटकपोन एंड टॉलकपोन। टॉलकपोन अब अवेलेबल नहीं है लिवर टॉक्सिसिटी के कारण। एंटकपोन एंटकॉम एंड एडकपोन के रूप में मिलता है, और एंटकपोन हमेशा आपको सिंडोपा या टाइडोमेट के साथ देना होता है। कॉम्बिनेशन भी इसका अवेलेबल है, सिंकपोन और एंटकॉम प्लस का, और इसके वेरियस स्ट्रेंथ्स अवेलेबल है, 50 डोपामिन, 100 डोपामिन एंड 150 डोपामिन में। वो आपके डॉक्टर चूज़ करते हैं कौन सा स्ट्रेंथ आपको सूट हो जाएगा। दूसरा एंजाइम है MAO-B इनहिबिटर, तो उसको इनहिबिट करके सिंडोपा की एक्शन प्रोलॉन्ग करता है और डोपामिन की एक्शन प्रोलॉन्ग करता है। पहले ये सोलिजिलिन पुराना MAO-B इनहिबिटर था, जो 5 और 10 मिलीग्राम में हम लोग देते थे सुबह को नाश्ते के बाद में। ओल्डर पेशेंट्स में ये हम कम डोज में देते हैं। अब नया MAO-B इनहिबिटर आया राजाजिलिन, वो पोटेंट है, लॉन्ग एक्टिंग है। ये 0.5 और 1 मिलीग्राम के डोज में अवेलेबल है। और अब नई ड्रग आई है सेफिनामाइड, जो 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की है। ये भी पोटेंट MAO-B इनहिबिटर है, और ये सिंडोपा का असर डिस्काइनेजिया न बढ़ा के प्रोलॉन्ग करता है। यानी सिंडोपा 3 घंटा काम करिए तो इसको 4 घंटे तक ये खींच लाता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है बेंजोट्रेपिन, प्रोसाइक्लिडिन, ऑर्फिनेड्रिन, इंडियन नाम है पैसिटिन एंड बेक्सॉल। इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है, हम लोग ये ओल्डर पेशेंट्स में नहीं यूज़ करते क्योंकि मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकती है। ये पेशेंट्स के कारण मुंह सूख जाता है, ग्लोकोमा बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, और पेशाब करने में तकलीफ होती है। तो जिनका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हुआ है तो ये पेशेंट्स में ये ड्रग हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये ड्रग में एक्सेसिव सलाइवेशन कम हो जाता है क्योंकि वो सलाइवा को सुखा देता है। एपोमॉर्फिन जो एकदम एक्साइटमेंट क्रिएट करके गया अपने इंडिया में, ये पोटेंट डोपामिन एग्रेस है, बिल्कुल सिंडोपा की तरह है। कॉस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब इंडियन प्रोडक्शन आ गया है इसके कारण कॉस्ट थोड़ा कम हो गया है। ये हम लोग सबक्यूटेनियस इंसुलिन की इंजेक्शन की तरह भी दे सकते हैं, या पेट में नीडल डाल के पंप के द्वारा भी दे सकते हैं। जो इसी के कारण बहुत उल्टियाँ होती हैं, इसीलिए डोमपेरोन इसके साथ देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ओनली यूज इन एडवांस PD, यानी इसका इस्तेमाल एडवांस PD जिसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इसमें किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, इंजेक्शन के साइट में रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये पंप आप अगर जो पेशेंट को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी नहीं करनी है तो ये पेशेंट में आप पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कभी भी आपकी पार्किंसंस की मेडिकेशन मिस नहीं करना। अगर आपने डोपामिन बंद किया, मुझे कुछ नहीं होता है, तो आप ICU में पहुंच सकते हो। एक बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसका होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, जिसमें बहुत बुखार आता है और पेशेंट अटक जाता है। और ये भी नहीं भूलना कि आपको सारी दवाइयाँ जैसे डॉक्टर ने लिख के दी है उसी टाइम टू टाइम लेना है। दो गोली, एक गोली मिस की तो दो गोली साथ में नहीं लेना है। मैंने अभी मोटर सिम्टम्स बताए जैसे डिफ़िकल्ट इन बैलेंसिंग, कंपन और चलने में दिक्कत, लेकिन बहुत सारे पार्किंसंस पेशेंट को नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं। कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को बहुत पानी पीना चाहिए, और जैसे मैंने ये पिक्चर में दिखाया, फुटरेस्ट रखनी चाहिए टॉयलेट में, बॉडी थोड़ी आगे झुकानी चाहिए ताकि मोशन होने में आपको बहुत आसानी हो सकती है। अगर आपको भास हो रहे हैं तो डॉक्टर आपको एरिसेप और रिवास्टिग्मिन दे सकता है। अगर उससे भी पेशेंट के पास कंट्रोल में नहीं आए तो हम लोग क्विटापिन एंड क्लोजापिन, जो एटिपिकल साइकेट्रिक ड्रग्स है जो नए नए आए हुए हैं, वो हम लोग दे सकते हैं। डिमेंशिया एंड साइकोसिस के लिए भी यही दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन अगर पेशेंट को होगा, एनजाइटी होगा, तो बहुत सारे ड्रग्स आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन के लिए, ये एक्चुअली ज़्यादा सलाइवा आपके मुँह में नहीं आ रहा है, ये आप जो सलाइवा, जैसे मैं बोलते वक्त भी सलाइवा स्वॉलो करती हूँ, वैसे आपका स्वॉलोइंग स्लो हो गया है। जैसे आपकी मूवमेंट स्लो हो गई, उसी तरह आपका स्वॉलोइंग स्लो हो गया है। तो इसके लिए आपको याद करके स्वॉलो करना है। इसको हम लोग डबल स्वॉलो टेक्निक करते हैं। अगर आपका खाना अटक रहा है तो ये डबल स्वॉलो टेक्निक आपको
हेल्प करता है, यानी दो बार आपको स्वॉलो करना है, एक और दो। फिर भी सलाइवेशन आपको परेशान कर रहा है तो हम लोग बोटॉक्स देते हैं, ग्लाइकोलेट टैबलेट्स देते हैं और एट्रोपिन आई ड्रॉप्स देते हैं। पेशेंट अगर बहुत सो रहा है दिन में तो हम लोग उसको जगाने के लिए मॉड अलर्ट करके दवाई देते हैं, जिसे आप जग जाते हो। जो पेशेंट रात को बहुत बड़बड़ाते हैं, किक करते हैं, चिल्लाते हैं, उनके लिए हम लोग मेलाटोनिन देते हैं। टेक होम मैसेजेस, डायग्नोसिस इज क्लिनिकल, वी डोंट हैव टू डू एनी इमेजिंग, ट्रूडैट स्कैन इज अवेलेबल बट इट्स टीडियस एंड एक्सपेंसिव, सो वी डोंट डू इट इन एवरी पेशेंट। एवरी पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू द न्यूरोलॉजिस्ट हुज गॉट एन एक्सपर्टीज इन ट्रीटिंग पार्किंसंस डिजीज। ट्रीटमेंट शुड ओनली बी स्टार्टेड इफ देर इज इम्पेयरमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। लिवोडोपा इज द बेस्ट ड्रग एंड डोपामिन एगोनिस्ट ऑल्सो हेल्प लिवोडोपा टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ द लिवोडोपा। फॉलोअप ऑफ द पेशेंट इज लाइफ लॉन्ग, मेडिकेशंस आर लाइफ लॉन्ग। वॉट आर द ड्रग्स दैट आई विल अवॉइड इन पार्किंसंस? वॉमिटिंग ड्रग लाइक स्टेमिटिल शुड नॉट बी गिवन टू द पार्किंसंस पेशेंट। द सेफ वॉमिटिंग ड्रग्स आर डोमपेरिडॉन एंड ओंडेसेट्रॉन। एंटीसाइकैट्री ड्रग्स ऑल्सो शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट्स। ओनली न्यूअर एंटीसाइकॉटिक्स like quetiapine and clozapine can be given to the Parkinson's patient. Many patients complain of dizziness, मुझे चक्कर आ रही है, तो डॉक्टर उनको सिनारिजिन देता है, इससे पार्किंसंस बढ़ सकता है। तो आप ध्यान से देख लो कि वो आपके डिजीनेस के टैबलेट में सिनारिजिन तो नहीं है। बहुत यंग पेशेंट्स को हेडेक हो जाता है तो माइग्रेन के ड्रग्स फ्लुनारिजिन भी मना है, उससे भी आपका पार्किंसंस बढ़ सकता है। नियर फ्यूचर में क्या है? न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट, वी आर वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट द ट्रायल। हम लोग अभी भी ट्रायल शुरू करने वाले हैं न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट पार्किंसंस के डिसीज़ में। ऑल्सो सेकेंड थिंग इज़ कंटिन्यूस डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन, दैट इज़ रोटीगोटिन पैच जो 24 घंटे चलता है, प्रामिपेक्सॉल ER, प्रामिपेक्स ER, प्रामिरोल SR जो वंस अ डे फॉर्मुलेशन है वो 24 घंटे चलते हैं, रोपाक एक्सेल 24 घंटे चल सकता है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा, कैन वी रिवर्स पार्किंसंस डिजीज? ओनली टाइम विल टेल। ट्रीटमेंट समराइजिंग, मेडिकल है, सर्जिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पार्किंसंस डिजीज नर्स का बहुत सारा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डायटिशियन, सोशल वर्कर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। This is a slide showing deep brain stimulation. Selection of the patient is very important. यानी इसमें सही पेशेंट चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कम से कम दो एक्सपर्ट मूवमेंट डिसऑर्डर्स का ओपिनियन लेना चाहिए कि आप सर्जरी के लायक हो या नहीं। इस सर्जरी में हम लोग एक छोटी सी वायर ब्रेन में डालते हैं और वो पेसमेकर को जोड़ती है, और जो हिस्सा ब्रेन का पार्किंसंस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग दबा देते हैं। ये डॉक्टर संख्य हैं जो हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं, और आप देख सकते हो पार्किंसंस का पेशेंट है, ये अवेक रहता है, ये जगते हुए सर्जरी की जाती है। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, यानी आपको ये आपका ब्रेन ये प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेन को सिखाता है डोपामिन कैसे यूज़ करना चाहिए सही तरह से। मोटर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, गेट एंड ट्रेमर ये इम्प्रूव करता है। एक्सरसाइज के कारण प्रोटेक्टिव नर्व ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो पार्किंसंस के ब्रेन को बचाते हैं। यूजुअल एक्सरसाइजेज आर ट्रेडमिल, विच शुड बी स्लो, यू शुड नॉट फॉल फ्रॉम द ट्रेडमिल, या स्टेशनरी बाइकिंग, यानी आप घर में जो बैठ के बाइक करते हो वो आपको रोज़ आधे घंटे एक घंटे तक करना है। ताइची एंड योगा डेफिनेटली हेल्प्स बैलेंस मूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये अयंगार योगा के पेशेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं इधर, इनमें हमने स्टडी किया था और इसमें इनका अटेंशन बहुत इम्प्रूव हुआ था, उनका डिप्रेशन चला गया था और उनका बैलेंस एंड मोटर मूवमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ गई थी। लिविंग विद पीडी इज़ डिफ़िकल्ट, इट अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, बट विद मेडिकेशन एंड सपोर्टिव थेरेपीज पेशेंट रिमेन्स एक्टिव। मेडिकेशन हेल्प्स पेशेंट कोप विद द मूड डिसऑर्डर्स ऑल्सो एज वेल एज डिप्रेशन एंड एनजाइटी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इम्प्रूव्स द होम कंडीशंस। फिजियोथेरेपीज हेल्प्स देम टू वॉक एंड बैलेंस बेटर, एंड स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प्स विद स्वॉलोइंग एंड स्पीच प्रॉब्लम्स। सो इट्स एन इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन पार्किंसंस पेशेंट? हिज और हर स्पाउस और द पर्सन हु इज़ लुकिंग आफ्टर हिम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट केयर गिवर्स अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पेशेंट्स, एंड सपोर्ट ग्रुप्स एंड ऑनलाइन फोरम्स आर डेफिनेटली हेल्पफुल टू दीज पेशेंट्स।
डिप्रेशन ऑफन प्रिसीड्स द मोटर स्लोनेस इन पीडी, सो केयर गिवर मस्ट अंडरस्टैंड दिस. आई मस्ट थैंक पार्किंसंस डिसीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द पेशेंट. एंड दिस सोसाइटी हैज़ स्टार्टेड द सपोर्ट ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया. सब इंडिया में इन्होंने सपोर्ट ग्रुप शुरू किए हैं टू इंक्रीज द अवेयरनेस, यानी पार्किंसंस के डिसीज़ के बारे में जानकारी और जो भी थेरेपी मैंने आपको बताई है वो कम्प्लीटली इंटीग्रेट करके पेशेंट्स को ये सिखाते हैं. तो फ्रॉम योर साइड यू मस्ट अटेंड योर सपोर्ट ग्रुप्स रेगुलरली. थैंक यू.